हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी जो है एमयू के फॉर्म फिल कर रहे हैं और इसमें आपके साथ में लिख के आ रहा है कि आपकी एज जो है वो कोर्स के लिए ज़्यादा है, आप जो है इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए अभी हो क्या रहा है, जब भी कुछ बच्चे बीटेक का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनके में लिख के आ रहा है कि आप जो है बीटेक के लिए आपकी एज ज़्यादा है और आप अप्लाई नहीं कर सकते। पहले तो ये लगा था कि बीटेक के हो सकता है बच्चों की एज ज़्यादा हो, और लेकिन जब उनका क्राइटेरिया देखा गया तो देखा कि उनकी एज जो है बिल्कुल सही है बीटेक के लिए, लेकिन फिर भी ये लिख लिख के आ रहा है कि आपकी एज जो है वो बीटेक के लिए ज़्यादा है। कुछ बच्चों की यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन कुछ बच्चों की अभी भी यही दिखा रहा है कि आपकी एज जो है वो ज़्यादा है। तो ऐसे में अब करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे जाके जो है आपको एमयू को मेल करना है और उसमें आपने सारी प्रॉब्लम अपनी बता देनी है कि आप जो है बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसमें ये दिखा रहा है कि आपकी एज ज़्यादा है, तो वो जल्द ही 24 घंटे के अंदर आपकी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। जितने भी बच्चे बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर जिसके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है, सबको ये अप्लाई करना ज़रूरी है, तभी एमयू जो है वो इसको ठीक करेगा। आपकी एज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम जो है वो एमयू की वेबसाइट पे है, इस वजह से आपको ऐसा दिखा रहा है, और परेशानी की कोई बात नहीं है, अभी काफ़ी टाइम है, तो अभी जो है आप मेल कर दिए तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, हम लोग उसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अभी अगर आपकी एज जो है वो ज़्यादा दिखा रहा है तो आपके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, ईमेल है, उस पर ईमेल पे आपको मेल करना है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।